ये देखिए पूरा लाइन से मंदिर लगा हुआ, सारे एक जैसे मंदिर है। चांद की हंसी। हाय गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग मन बना रहे हैं कि आप लोग को आना है 108 महादेव मंदिर जो कि बर्धमान में है, तो आप सोच नहीं सक रहे कैसे जाना, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। तो वीडियो में आगे बढ़िएगा। तो वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आना है, कहाँ पे कितना किराया लगता है, पूरा आपको बजट बताऊंगा और कैसे क्या पूजा करना है, सारा डिटेल्स आपको दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं घर से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ, मैं दोस्त आने वाला एक, तो उसके साथ फिर जाऊँगा। तो देखिए मेरा दोस्त आ चुका है। हाय। अब मैं जाऊंगा ऑटो लेकर हावड़ा स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं हावड़ा स्टेशन और वीडियो में बने रहिए, आगे का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं हावड़ा स्टेशन, जाता हूं स्टेशन के अंदर, तो वीडियो आगे दिखाता हूं आपको, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देखिए, यहाँ मैं हावड़ा स्टेशन का यहाँ पे आ चुका हूँ। ये टिकट में टिकट काटने के लिए देखिए कितना लाइन लगा हुआ सब जगह। अभी मेरा दोस्त गया टिकट काटने के लिए, लाइन लगाया टिकट काटने के लिए, देखता हूँ कितना देर लगता है यहाँ पे। बहुत मुश्किल के बाद मुझे टिकट मिल चुका है, बहुत लाइन लगाने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 रुपये का टिकट लिया हावड़ा टू बर्धमान का टिकट करता है 25 रुपया। तो मैं देख लेता हूँ बोर्ड पे ट्रेन आया कि नहीं। ये बर्धमान का ट्रेन 8 नंबर प्लेटफॉर्म में लग चुका है, तो जाते हैं देखते हैं 8 नंबर में आने वाला है। तो जैसे आप देख सक रहे हैं मैं ट्रेन आ गया है, तो मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ अंदर। जैसे कि आप देख सक रहे हैं ट्रेन एकदम खाली है, बेसी लोग नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत कम्फर्टेबल है, आराम से जा सकूँगा। तो वीडियो बने रहिए, ट्रेन चालू होता तो दिखा देता हूँ आगे का वीडियो। गाइस ये मेरा दोस्त है संजू। तो कल मेरा प्लान था कि आज मैं जाऊँ बर्धमान 108, सबको बोला था साथ, उसको कोई तैयार नहीं हो रहा था मेरे से जाने के लिए, मैं अकेले पर गया था। लास्ट में ये दोस्त को सबसे लास्ट में बोला आखिरी में रात को, तो ये दोस्त एक बात पे तैयार हो गया मेरे साथ जाने के लिए 108 महादेव मंदिर। तो हर महादेव। तो दोस्तों इसको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ जाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, आगे देखते हैं क्या होता है वीडियो में। तो भाई का भी चैनल है संजू लांबा क्रेजी ब्लॉग्स नाम का, तो इसका भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं दोस्त झालमुड़ी बेच के दिखाएगा। বলছে ভালো হবে না তো, ভালো হবে না তো, বেঞ্চে নিচে ছুট ছুট যায়। अभी ये हेडफोन चेक कर रहा है कैसा है। ये ऐड देख रहा था, अभी खाना चालू किया। बड़ी मुश्किल खो जाए ना कहीं आवारा दिल।
ना कहीं का सुन है ना कहीं करारे, किसका मुझको इंतजार है, किसका मुझको इंतजार है। बांगला को था बांगला जानी हो, सिक्किम में छेले बांगला को था आगे एक चला गया का सिक्किम देखे चांदी की हसी चांदी ये गांगपुर स्टेशन के बाद ही वर्धमान स्टेशन आएगा, तो रेडी हो जाएगा घूमने के लिए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ वर्धमान स्टेशन। 2.5 घंटा का सफर करने के बाद तो यहाँ से जाना होगा मेरे को नवाभाट पाड़ा, नवाभाट बस स्टैंड। तो वहाँ जाते बाहर जाते वहाँ से टोटो करते जाते नवाभाट बस स्टैंड के लिए, देखते कितना भाड़ा लेता टोटो वाला, बाहर चलते और आपको बताते कितना वो भाड़ा लेता। तो चले उसको वीडियो बने रहिएगा गाइस। यहाँ से उठकर मुझे लैब जाना है, लैब बाहर निकलने के बाद वहाँ से मुझे टोटो मिलेगा, तो चलते हैं। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं मैं टोटो स्टैंड पे आ गया हूँ। यहाँ से नवाभाट स्टेशन जाना है बस स्टैंड, नवाभाट बस स्टैंड। तो दादा ने बोला है 20 रुपये का किराया है टोटो का, अगर शेयर में जाते तो 20 रुपया और रिजर्व करके जाएंगे तो 100 रुपये लगेगा। तो दादा ने बोला 20 रुपये किराया, तो इसके टोटो में जाता हूँ मैं अभी। 20 रुपये करके किराया है भाई, 108 मंदिर 108 मंदिर डायरेक्ट मंदिर का भाड़ा आपको उतारेगा। तो चलिए अभी टोटो में जाते। तो गाइस एक्चुअली जानने के बाद पता चला तो वहाँ पे हार्ट बैठता है, इसीलिए उसको नोआ हार्ट बुलाया जाता है और नया नाम उसका रखा गया है उथला हार्ट। तो अब नोआ हार्ट एक्चुअली बेसिक फेमस है, तो नोआ हार्ट बोल के आप आएंगे स्टेशन में बाहर, आपको हर एक टोटो वाला 20 रुपये किराया लेगा और आपको हार्ट के सामने उतारेगा। वहाँ से थोड़ा सा आपको पैदल जाना होगा मंदिर, वहाँ से 5 मिनट का दूरी है। तो चलते देखते कितना दूर है, मुझे खुद नहीं पता है, तो आगे जाके बताते हैं कितना दूर है। चलिए उसको वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ टोटो से और ठीक देखिए पीछे गेट है मंदिर का, उसके अंदर जाऊँगा। और एक बात बता दूँ, ये पीछे देखिए वहाँ पे बस जा रहा, बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है वहाँ पे, और ठीक सामने देखिए यहाँ पे मंदिर का गेट है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए जैसे गेट में लिखा हुआ 108 शिव मंदिर। यहाँ जैसे आप देख सक रहे हैं ये मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है जैसे आपके आप देख सक रहे हैं। और ठीक इसके राइट साइड पे आपको मिलेगा कार पार्किंग और बाइक पार्किंग, और इसके लेफ्ट साइड पे आप उस साइड पे जाकर आप जूता चप्पल रख सकते हैं, हाथ धोकर फिर अंदर जा सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ या कार पार्किंग बाइक पार्किंग बाकी सबका कितना फेयर लेता है। जैसे आप देख सक रहे बोर्ड में, आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं कितना किसका किराया लेता है यहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मंदिर के अंदर, पहले जाते हैं वहाँ पे जूता खोल लेते अपना और हाथ धो के अंदर चलते हैं मंदिर का। यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाते हैं जूता खोलने के लिए। यहाँ
यहाँ देखिए चप्पल रखने का आपको 2 रुपये लेगा, चप्पल जूता जो भी आप रखें एक जगह, और अलग अलग रखेंगे तो फिर 2-2 करके बढ़ता जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्लीनिंग चार्ज बोल के लेता है अंदर घुसने के लिए 5 रुपया, तो यहाँ टिकट ले लेते हैं। ये जैसे आप देख सक रहे हैं, ये मंदिर के अंदर जाने के लिए क्लीनिंग चार्ज बोलकर आपको 5 रुपये का कूपन काटना होगा, उसके बाद ही आपको मंदिर के अंदर घुसने देगा। चलते हैं अंदर और भैया को टिकट दिखाते हैं। ये लेफ्ट साइड से शुरू होकर आपको जाना होगा, लेफ्ट से शुरू करने के लिए बोला है, और ये घूम कर पूरा उस साइड से आपको घूम कर वहाँ से पूरा अंदर से घूमते हुए पूरा राउंड लगाते हुए वहाँ से होते हुए आपका यहाँ पर आकर मंदिर ख़त्म होगा। यहाँ तक है आपको पूरा महादेव का शिवलिंग, और सभी मंदिर एक साइज का एक ही डिज़ाइन का बना हुआ है जैसे कि आप देख सक रहे हैं। और गाइस जैसे आप देख सकते हैं, आप सीधा आएंगे यहाँ पे, ये दुकान है पूजा का, यहाँ से आप सारा चीज़ आपको पूजा का सामग्री मिल जाएगा, आप जो खरीद सकते हैं यहाँ से पूजा का सामान ले लेते हैं। ये जैसे देखिए सबसे पहले 51, 101 और ये 201 का डाला है। तो गाइस दूध ले लिया हूँ, अभी जाता हूँ हर मंदिर में दूध चढ़ाऊँगा, फिर लास्ट में आकर डाला लेकर, और लास्ट एक मंदिर है उसी में पूजा किया जाता है, इसीलिए लास्ट में आकर डाला लूँगा और पूजा करूँगा। तो चलता हूँ 80 है पहले होते फर्स्ट वाले मंदिर से अंदर जाते। मेरा पूजा हो चुका है, डाला देख चुके, तो अभी आपको मंदिर घुमाएंगे। पहले तो मैं अच्छा से पूजा कर लिया हूँ, उसके बाद आप लोग को मंदिर घुमाऊंगा, क्योंकि अच्छा से पहले पूजा करना जरूरी है, बाबा का श्रद्धा करना, उसका तो वीडियो होता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको अभी मंदिर घुमाते हैं और इसका हिस्ट्री बताते हैं आपको। तो गैस ये लेफ्ट साइड का मंदिर से पूजा स्टार्ट करते हुए यहाँ से जाते हुए ये घूम कर यहाँ पर पूजा लास्ट समाप्त होती है, और यहाँ पर लास्ट मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं आराम से बैठ कर, माला वाला सब चढ़ा कर दूध चढ़ा कर आराम से पूजा कीजिए, नारियल फटाइए, उसके बाद में यहाँ पे सभी आरती करते हैं, धूपकाठी दिखाते हैं, मोमबत्ती दिखाते हैं, आप आरती कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर का दर्शन करवाते हैं आपको, बहुत बड़ा मंदिर है इसीलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ लाइन से। ये देखिए पूरा लाइन से मंदिर लगा हुआ, सारे एक जैसे मंदिर है। तो गाइस मैं मंदिर के अंदर बैठा हूँ, यहाँ का आवाज़ सुनिए कितना अच्छा गूंज रहा है। आप अगर यहाँ पे बैठ के ध्यान करते हैं तो बहुत शांति मिलेगा। मैंने पूरा मंदिर में पूजा करते हुए हरिओम नमः शिवाय का जाप लगाया, जैसे इतना सुकून मिला आपको क्या बोलूँ। और चले तो इसके आगे का हिस्ट्री आपको बताता हूँ, बाहर निकलता हूँ क्योंकि इसके अंदर में आवाज़ गूंज रही है, तो बाहर निकलता हूँ मंदिर से। तो गाइस इस मंदिर का बहुत अच्छा हिस्ट्री है, बोला जाता है इस मंदिर में जो रानी जी थे यहाँ का, विष्णु देवी रानी, उनको रात को सपना आया था, शंकर भगवान ने सपने में आया कर बोले थे उनको 108 मंदिर बनाने के लिए और शिवलिंग का स्थापना करने के लिए, इसीलिए उन्होंने 1788 साल में इस मंदिर का स्थापना किए थे, और ये मंदिर 1788 साल में बनना चालू हुआ और 1790 में बन के कम्प्लीट हो गया था। तो ये हिस्ट्री सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मंदिर एक बार आप ज़रूर से आइए, घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा, मन को सुकून मिलेगा। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको एक बार यहाँ पर आना बनता ही है। तो और आपको टाइमिंग बता दूं, यहाँ का टाइमिंग वैसे तो सुबह 8 से
दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, उसके बबाद कुछ देर के लिए बंद होता है, फिर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक ये खुला रहता है। तो दोस्तों ऐसे तो अभी सावन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे अभी कोई बंद होने का चांस नहीं है, सुबह 8 से लेके रात को 7 बजे तक खुला रहेगा। सॉरी मैंने गलती से बोला 5 बजे, लेकिन ये 7 बजे तक खुला रहता है शाम को। तो ये था यहाँ का हिस्ट्री और टाइमिंग। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।